हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आप भी चंडीगढ़ के पास अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं चंडीगढ़ के पास, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीरकपुर अम्बाला रोड पे बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी बनी हुई, जिसकी लोकेशन रहती है चंडीगढ़ से 0 किलोमीटर। जी हाँ, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ 200 गज में बना हुआ 3 BHK अपार्टमेंट। लोरेज कंसेप्ट रहने वाला है, विद लिफ्ट, विद पावर बैकअप, क्लब हाउस जैसी अमेनिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। शुरू करते हैं आपका होम टूर, दिखाते हैं आपको बहुत ही प्यारा बना हुआ 3 BHK अपार्टमेंट। दोस्तों, जैसे आप एंटर करते हैं, आपका वेलकम होता है आपके बहुत ही प्यारे लिविंग एरिया के साथ, जिसका साइज रहता है 13x13। जी हाँ, 13x13 स्क्वेयर फीट का आपको मिल जाता है लिविंग एरिया। अगेन, काफी डिसेंट, काफी स्पेशियस आपको लिविंग एरिया मिल जाता है। लिविंग के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है काफी बिग साइज विंडो, एंड इसी के साथ आपको मिल जाता है आपकी बैल्कनी का एक्सेस, जहाँ पे आपको मिल जाती है 6 फीट वाइड बैल्कनी। दोस्तों, 6 फीट वाइड आपको बैल्कनी मिल जाती है। बैल्कनी आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है, यहाँ पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट की हुई है ताकि आप बाहर का नजारा भी यहाँ पे ले सकते। लिविंग के बाद ये रहता है आपका डाइनिंग एरिया। अगेन, आपको यहाँ पे भी काफी स्पेशियस डाइनिंग एरिया मिल जाता है, जिसका साइज रहता है 13x12। 13x12 की आपको इतनी अच्छी स्पेस मिल जाती है कि आप यहाँ पे अपने प्रॉपर यूनिट्स, अपना बार आप यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि स्पेस काफी अच्छी मिल जाती है आपको आपके डाइनिंग एरिया में। लिविंग डाइनिंग के बाद अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। आपको मिल जाती है 7x11 की बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्पेशल किचन मिलने वाली है। किचन आपकी पहले रहने वाली है, इतनी अमेजिंग किचन है कि आपको यहाँ पे काम करने का मजा आएगा। किचन में आपको मिल जाती है पेंट्री, अगेन काफी अच्छी, काफी डिसेंट आपको पेंट्री स्पेस मिल जाती है। डेडिकेटेड आपको फ्रिज की स्पेस मिल जाती है, और किचन आपकी रहने वाली है पैरेलल, जहाँ पे ड्रायर ये अलग और आपका वेट एरिया अलग रहने वाला है। किचन आपकी प्रॉपर मॉडुलर रहने वाली है, चिमनी हॉब का आपको डेडिकेटेड प्रोविजन दिया हुआ है, आपका वॉशिंग एरिया के लिए आपको प्रॉपर सेपरेट स्पेस दी हुई है, और अगेन इसी के साथ आपको मिल जाती है आपकी बैल्कनी, जहाँ पे आपका रहने वाला है वॉशिंग एरिया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 3 बेडरूम्स, 2 बेडरूम मेरे पीछे रहते हैं और 1 बेडरूम रहेगा मेरे बिल्कुल सामने, जो रहेगा आपका मास्टर बेडरूम। तो शुरू करते हैं आपके मास्टर बेडरूम से। तो दोस्तों, ये रहता है आपका मास्टर बेडरूम, जिसका साइज रहता है 11.5x13। अगेन, आपको एक बहुत ही स्पेशियस क्लियर बेडरूम मिल जाते हैं। क्लियर क्यों? क्योंकि जो आपकी वार्डरोब्स है वो आपकी सेपरेट रहने वाली है, तो काफी स्पेशियस आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। नीचे आपको वुडन फ्लोरिंग मिलने वाली है, और अगेन घर का जो इंटीरियर किया हुआ है काफी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगेन यहाँ पे आपका रहता है आपकी बैल्कनी का एक्सेस, सेम बैल्कनी जो हमने आपको ड्राइंग एरिया से दिखाई, वो सेम बैल्कनी एक्सेस आपको यहाँ से आपके मास्टर बेडरूम से भी मिलने वाला है, और इसी के साथ मेरे सामने आपका रहता है अटैच वॉशरूम। दोस्तों, ये रहता है आपका सेकंड बेडरूम, जिसका साइज रहता है 10x14। जी हाँ, 10x14 का आपको काफी डिसेंट सा स्पेशियस आपको बेडरूम मिल जाता है। ये आपका रहने वाला है किड्स बेडरूम, क्लियर बेडरूम साइजेस हैं, बिकॉज वो जो वार्डरोब्स आपकी रूम के अंदर इनबिल्ट नहीं है, आपको सेपरेट दी हुई है। अगेन, बहुत ही डिसेंट सा आपको यहाँ पे बेडरूम मिल जाता है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये आपका किड्स बेडरूम, तो अगेन हमने आपको एक आइडिया दिया हुआ है कि आप यहाँ पे अपना बच्चों के लिए स्टडी टेबल बना सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अगेन आप यहाँ पे अपना वर्क स्टेशन भी बना सकते हैं। काफी डिसेंट स्पेस मिल जाती है, काफी अच्छा आपको यहाँ पे डिजाइन आप अपने लिए बना सकते हैं। सनलाइट वेंटिलेशन की आपको यहाँ पे मिल जाती है, बिग साइज विंडो एंड डोर, ताकि जो वेंटिलेशन सनलाइट है वो इस घर में प्रॉपर आपको मिल सके। और ये रहेगी आपकी बैक बैल्कनी, जो आपको किचन के साथ आपके गेस्ट बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है। तो आइए आपको दिखाते हैं। 6 फीट वाइड आपको यहाँ पे आपकी बैक बैल्कनी मिल जाती है, जिसको आप एज अ वॉशिंग एरिया इसको यूज कर सकते हैं। प्रॉपर आपको वॉशिंग मशीन की प्रोविजन दी हुई है यहाँ पे। अगेन, आपकी एक्सेस किचन से भी रहती है, आपके किड्स बेडरूम से रहेगी और आपके गेस्ट बेडरूम से रहने वाली है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा गैस पाइपलाइन का प्रोविजन। दोस्तों, इसी के साथ आपका रहता है वॉशरूम। अगेन, वॉशरूम बहुत स्पेशियस रहने वाले हैं। दोस्तों, ये रहता है आपका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम, जो कि आपका रहने वाला है 11x11 का। इसको आप गेस्ट रूम कह सकते हैं, काफी डिसेंट स्पेस मिली हुई है, और इसी के साथ अगेन आपको स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे 3 डोर कबर्ड मिल जाती है। अगेन, काफी अच्छी आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है। मैं बात करूँ 200 गज के हिसाब से, 3 बेडरूम ये घर बना हुआ है, काफी अच्छा, काफी डिसेंट ये रहने वाला है। और इसी के साथ आपकी रहती है वॉशिंग एरिया, बैक बैल्कनी अटैच, जो आपकी किचन से और आपके किड्स बेडरूम से अटैच रहने वाली है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर एंड बहुत ही एलिगेंट आपको यहाँ पे घर मिलने वाला है। इसी के साथ रहता है आपका अटैच वॉशरूम, साथ में आपका रहता है कॉमन वॉशरूम।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये अपार्टमेंट, ये घर? आप अपने जो व्यूज़ हैं कमेंट के जरिए जरूर शेयर करना। कोई भी क्वेरी है इस प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, इस लोकेशन रिगार्डिंग, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वी विल लव टू असिस्ट यू, वी विल लव टू हेल्प यू। इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस शुरू होता है वो है 1,16,00,000। जी हाँ, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर ही इस टाउनशिप में अवेलेबल है, जिसमें आपको छत साथ में मिलेगी। फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर सारे सोल्ड आउट है। तो अगर आप विद रूफ लो राइज में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, चंडीगढ़ का बिल्कुल पास देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। मैं लखवीर फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो साउंड।